एक्सेलरेशन फाइंड करें, एक्सेलरेशन मींस ए वेक्टर और एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे आप लिखते हैं अल्फा वेक्टर से। अब आपको रिलेशन पता चला कि वेलोसिटी का आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और एंगुलर फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको वेलोसिटी पता है एंगुलर की टर्म्स में कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट मीन्स dv इज इक्वल dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt इंटू आर ओमेगा। अब इसमें यू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, d बाई dt यू वी फॉर्मूला होगा आपके पास पहले फर्स्ट और u इज फर्स्ट v इज सेकेंड। तो u एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस में सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहले फर्स्ट एज इट इज मीन्स r एज इट इज d ओमेगा बाई dt प्लस में फिर आपके पास आएगा ओमेगा इंटू डी आर बाय डी टी। अब आपको पता है यहाँ पे कि आर जो है वो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो दैट मींस ए इज इक्वल टू यहाँ पे डी वी बाई डी टी क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर और डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इन वैक्टर फॉर्म आर वैक्टर इंटू में अल्फा वैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, मींस जो सेंटर के टू सेंटर की तरफ हो, मींस मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा दैट मींस जो उसकी वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज हो रही है, देखिए आपके पास जो ये सर्कुलर पाथ है एट सेंटर पोजिशन ओ, तो सेंट्रीपिटल मीन्स जो आपके पास सेंटर की तरफ फोर्स लगे इसमें, तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स वेलोसिटी कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में एक्स में। ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इस साइड से इसकी वेलोसिटी कहाँ पर होगी, नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, और अगर हम इस साइड से देखें तो इसकी वेलोसिटी आपके पास होगी नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन। तो इट मीन्स वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूसली, तो वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स आपके पास क्या चेंज हो रही है यहाँ पे, और इसी को आप क्या बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से, एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल सी इज सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वी स्क्वेयर अपॉन में आर। जो वी स्क्वेयर अपॉन आर है, लेकिन अगर हमें इसे लिखना है एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसे सॉरी एंगुलर वेलोसिटी में जब आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, आर ओमेगा स्क्वेयर, मीन्स वी की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वेलोसिटी इन एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब आप आर ओमेगा यहाँ पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट था आपके पास जो उस वो ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, तो एसी। लेकिन जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर इस लाइन को जब आप इसे मीट करेंगे दैट इज़ आपके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखूँ तो आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन होगी अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करें तो दैट इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी का स्क्वेयर। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, दैट इज आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मान लो कोई भी बॉडी है आपके पास, अगर वो प्रोजेक्ट कर रही है 10 एंगल थीटा से, ठीक है। जब बॉडी प्रोजेक्ट की थीटा एंगल से तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट से। तो यहाँ पे एट सेंटर ओरिजिन पॉइंट ओ से दिस इज इनिशियल वेलोसिटी आपके पास इस डायरेक्शन में, जब आप किसी स्टोन को फॉल कराते हैं, फॉल करते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो वापस, दिस इज़ द टाइम ऑफ एसेंट एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ डिसेंट, वापस ग्राउंड फ्लोर पर आएगा। तो आपने क्या निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास, वही सेम हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट पर अगर मैं कोई पॉइंट डिनोट करूँ दैट इज़ वेलोसिटी वी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एट एंगल थीटा में, जब आपने एंगुलर प्रोजेक्शन में किया था कि अगर आप एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं तो यू एक्स कॉस थीटा निकाला था, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड
यू वाई, मतलब अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं दैट इज़ यू साइन थीटा। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ दैट इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ, तो आपके पास जो ये फाइनल वेलोसिटी होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू एक्स। तो दैट मीन्स वी इज़ इक्वल टू आपके पास क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा। कॉस थीटा मैक्सिमम हाइट से वापस कहाँ पर आ गया, ग्राउंड फ्लोर पर। इट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या थी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू ux। तो हाफ ऑफ m ux की वैल्यू u cos थीटा का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, हाफ ऑफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस टर्म इज कॉन्स्टेंट इन टू में कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है आपको एंड हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी दी गई है आपके पास, 50%। मतलब v 50% दिया है किसके, इनिशियल वेलोसिटी के। तो जो पहले गिवन है हम उस टर्म को लिख लेते हैं यहाँ पे, एट मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पे जो है वेलोसिटी कितनी है, 50% है। तो मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू 50% ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मींस u और फाइनल वेलोसिटी v 50%। तो 50 / 100 u से u कैंसिल, तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है यहाँ पे, वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू एक्स डायरेक्शन मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज में। तो वी इज इक्वल टू यू एक्स मींस वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 50/100 इंटू यू, यू से यू कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 50/100 दैट मीन्स 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कब होगा, जब आपके पास कॉस 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 60 डिग्री। आपने एंगल तो फाइंड कर लिया लेकिन आपको साथ में क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2θ/j। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2θ की वैल्यूज आपको पता है, 2 × 60 डिग्री 120/g दैट मीन्स r इज इक्वल टू साइन 120 की वैल्यू अंडर द रूट 3/2 इंटू में यू स्क्वेयर बाय जी। ये आपके पास रेंज फाइंड हो गए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।